नमस्कार, मैं हितेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया। अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नए मंत्रिमंडल के बारे में। आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के नए मंत्रिमंडल में किसे किसे शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार कब हो सकता है, यानी शपथ ग्रहण समारोह कब आयोजित किया जाएगा, इसको लेकर क्या खबरें सामने आ रही है। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा कि उप मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए। ऐसे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक करके तमाम MLA के नाम बताएंगे जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। आपको सबसे पहले बता देते हैं, BJP ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। राज्य में नए मंत्रिमंडल और सरकार गठन को लेकर बैठकों और मंथन का दौर जारी है। इस बीच यूपी में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में 16 मार्च को यानी कल एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। यह बैठक भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी। इनके अलावा BL संतोष, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन किया जाएगा, ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही है। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और उप मुख्यमंत्री के नाम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। आइए बात कर लेते हैं कि उप मुख्यमंत्री किसे किसे बनाया जा सकता है। ऐसे में 3 नाम हमारे सामने आ रहा है जिन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं दिनेश शर्मा और इनके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। खबरें हैं कि दिनेश शर्मा को राष्ट्रीय स्तर पर कोई पद दिया जा सकता है, यानी इन्हें भाजपा में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही है। इनके बाद नाम आता है केशव प्रसाद मौर्य का, तो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अगर केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाता है तो फिर भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं तो फिर किन्हें बनाया जा सकता है उप मुख्यमंत्री। हमारे सामने 3 नाम आ रहे हैं, बेबी रानी मौर्य का नाम शामिल है इसमें, इसके साथ ही अदिति सिंह और सबसे बड़ा नाम है अपर्णा यादव। एक एक करके तमाम नामों के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं अपर्णा यादव से। अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है और वह सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई और वह एक बैक एंड पर काम करती रही और भाजपा को कहीं ना कहीं ज़्यादा सीटें दिलवाने में उनकी भी एक मदद रही है, उनकी भी एक भूमिका रही है, और इसीलिए अपर्णा यादव को तोहफा दिया जा सकता है योगी सरकार द्वारा और उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। अगला नाम आता है बेबी रानी मौर्य का। बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल थी और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया योगी सरकार के कहने पर और विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आकर लड़ी और यहां से भाजपा की तरफ से उन्होंने जीत भी हासिल की। ऐसे में उनका नाम वैसे भी बड़ा है तो उप मुख्यमंत्री पद उन्हें सौंपा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगला नाम है अदिति सिंह का। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई अदिति सिंह भी मुख्यमंत्री पद के लिए एक दावेदार मानी जा रही है और रेस में लगभग आगे मानी जा रही है, तो इन तीनों को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं इस बार उत्तर प्रदेश के। अब बात करें कि अदिति सिंह को क्यों उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो इन्होंने कांग्रेस का गढ़ रायबरेली छीना है जहां से भाजपा जीती नहीं थी आज तक, लेकिन इनकी वजह से क्योंकि कांग्रेस आई भाजपा में और भाजपा को जिताया। अब टारगेट रहेगा लोकसभा, लोकसभा में रायबरेली को टारगेट अगर किया जाता है तो फिर अदिति सिंह एक बड़ा नाम होगी और अदिति सिंह को इसीलिए उप मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है। हम बात कर रहे थे उप मुख्यमंत्री के बारे में, अब बात कर लेते हैं मंत्रियों के बारे में। आपको बताएंगे कि किस MLA की किस्मत खुल सकती है और उसे मंत्री पद सौंपा जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके तमाम नामों के बारे में जानना। शुरुआत करते हैं हम केतकी सिंह के साथ। केतकी सिंह जो कि बांसडीह से जीती है, बलिया की बांसडीह सीट पर भाजपा को पहली बार जीत हासिल हुई है। सपा के राम गोविंद चौधरी को हराया गया है केतकी सिंह द्वारा और भाजपा ने कहीं ना कहीं केतकी सिंह की बदौलत ही पहली बार बलिया की बांसडीह सीट पर जीत हासिल की है। ऐसे में केतकी सिंह को एक तोहफा मिल सकता है और उन्हें मंत्री पद मिल सकता है।
अगले नाम की बात करें तो बेबी रानी मौर्य का है। बेबी रानी मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। इसके अलावा इन्हें मंत्री तो आराम से बनाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर नाम आता है नितिन अग्रवाल का। नितिन अग्रवाल जो कि पिछली बार सपा से विधायक थे तो उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया गया था, इस बार वे भाजपा से चुनाव लड़े हैं, तो इससे ताकत का अंदाजा लग सकता है कि नितिन अग्रवाल किस कदर के यहाँ पर एक मंझे हुए राजनेता है, तो इन्हें भी जो है मंत्री पद दिया जा सकता है। अगला नाम आता है अदिति सिंह का। हम बात कर चुके हैं अदिति सिंह के बारे में, उप मुख्यमंत्री की दावेदार है। वही अगर बात करें असीम अरुण की, असीम अरुण और राजेश्वर सिंह दोनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। दोनों ही पुलिस का पद छोड़ के आए हैं। असीम अरुण जो कि पहले पुलिस कमिश्नर थे कानपुर में, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया योगी आदित्यनाथ के कहने पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए राजी किया था। ऐसे में वे अपने पद को छोड़कर भाजपा के साथ आए, भाजपा ज्वाइन की और चुनाव लड़े और चुनाव जीते। ऐसे में उनके पास एक लंबा अनुभव भी है और योगी आदित्यनाथ ने खुद आग्रह किया था उनसे चुनाव लड़ने के लिए, तो ये प्रबल संभावना है कि उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। इनके अलावा अंजुला माहौर का नाम शामिल है, अंजुला माहौर को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। दलित लीडरशिप के लिए यहाँ पर ये जानी जाती है, तो ऐसे में इन्हें मंत्री पद सौंपा जा सकता है। वही श्रवण कुमार निषाद का नाम भी आता है, भाजपा की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी में जो यहाँ पर प्रमुख है संजय निषाद, उनके बेटे हैं। फिलहाल संजय निषाद MLC है, लेकिन वे अपने बेटे को यानी श्रवण कुमार निषाद को भी मंत्री पद देना चाहेंगे, मंत्री पद में लाना चाहेंगे, तो वो योगी से आग्रह जरूर करेंगे और श्रवण कुमार निषाद को मंत्री बना सकते हैं। ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही है। अगला नाम अपर्णा यादव का आता है। अपर्णा यादव के बारे में हम बात कर चुके हैं, ज़्यादा बात अब नहीं करेंगे वापस से। वहीं राजेश्वर सिंह के बारे में भी पहले बात कर चुके हैं, एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे। राजेश्वर सिंह ने भी पुलिस का पद छोड़ा और भाजपा के साथ आए, चुनाव जीते, तो राजेश्वर सिंह भी एक प्रबल दावेदार है मंत्री के लिए। लेकिन खबरें ये है कि राजेश्वर सिंह या असीम अरुण दोनों में से किसी एक को मंत्री पद दिया जा सकता है। वही नाम आता है सुरेंद्र कुमार कुशवाहा का। इनके अलावा त्रिभुवन राम दलित लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, दलित नेता है, कदावर दलित नेता होने के कारण दलित कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। वही अनुराग सिंह का भी नाम आता है, अनुराग सिंह को भी मंत्री पद सौंपा जा सकता है। इनके आवास स्वतंत्र देव सिंह भी है, वे फिलहाल भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं और भाजपा में उनके पास पद भी है, लेकिन वे अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही है। इस प्रकार से ये वीडियो था जिसमें हमने मंत्रिमंडल के बारे में बात की है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए आप बने रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।